आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि मनुष्य चांद पर जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। जी हाँ, भारत में भी कुछ ऐसी ही विचित्र बातें सामने आती हैं जो एक अबूझ पहेली बनी हुई हैं। इसी तरह कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके होने के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत खोजबीन करने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं आया। आज हम उन्हीं में से कुछ अनोखी घटनाएं आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रहलाद जानी। गुजरात के मेहसाणा जिले में रहने वाले प्रहलाद जानी वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गए हैं। वो पिछले 77 सालों से बिना कुछ खाए पिए जी रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने उनकी इन शक्तियों को जानने के लिए उन पर कई सारे टेस्ट किए, लेकिन प्रहलाद जानी बिना कुछ खाए पिए ही जी रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सुपर ह्यूमन घोषित कर दिया। चित्तौड़ का किला। राजस्थान का चित्तौड़ का किला वो जगह है जहां रानी पद्मावती और अन्य रानियां जौहर की आग में जल गई थीं। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मावती को अपनी शरण में करना चाहा, तो रानी पद्मावती और राजघराने की अन्य सभी स्त्रियों ने जौहर की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से ही यहाँ रात के समय मदद की गुहार लगाती औरतों की आवाज आती है और रात के समय जौहर कुंड के पास जाने की भी मनाही है। बिना तेल और बाती के जलती ज्वाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गांव में ज्वाला देवी का एक मंदिर है। कहा जाता है कि जब सती माता खुद को अग्नि को समर्पित कर रही थीं, तब उनकी जीभ इसी जगह गिरी थी। अतः इसे 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ बिना तेल और बाती के सालों से एक लौ जल रही है जो आज तक नहीं बुझी है। वीरान गांव। राजस्थान में एक गांव है कुलधरा, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें रातों रात ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में वे लोग यहां से जाते जाते इस जगह को ये श्राप दे गए कि यहां फिर से कोई नहीं बस पाएगा। तब से ही ये गांव वीरान पड़ा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस वीरान गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। बताया जाता है कि यदि कोई यहाँ रात रुकने की कोशिश करता है तो उसे अनजानी शक्तियों का आभास होता है। पक्षियों का सुसाइड पॉइंट। जी हाँ, आपको यह बात सुनकर हैरानी तो जरूर होगी, पर यह बात सच है। असम के दिमा हसाओ जिले में जतिंगा नाम की एक जगह मौजूद है जिसे बर्ड्स सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में और सितंबर अक्टूबर महीने की रातों में पक्षी यहां आकर पेड़ से टकराकर या किसी और तरह से खुद की जान ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। कंकाल वाली झील। उत्तराखंड में हिमालय पर रूपकुंड नाम की एक झील है जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर नर कंकाल और खोपड़ियाँ देखने को मिलते हैं। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी हुई झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो 9वीं सदी में ओले की आंधी में मारे गए थे, और यहाँ पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। हवा में लटकता स्तंभ। 16वीं सदी में बने आंध्र प्रदेश के लेपाची मंदिर में लगभग 70 स्तंभ हैं, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो हवा में लटका हुआ है, मतलब बिना सहारे के। मंदिर में आने जाने वाले लोग और वहां के पंडित भी ये देखकर हैरान हैं। इतना ही नहीं, लोग तो जमीन और स्तंभ के बीच से कपड़ा निकालकर भी देखते हैं। यहां ऐसा क्यों है इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया।
बुलेट की पूजा। राजस्थान के पाली जिले में एक गांव है जहां पर बुलेट की पूजा होती है। इसके पीछे एक कहानी है कि 1988 में ओम सिंह राठौर नाम का एक शख्स अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल जा रहा था, तभी पेड़ से टकराने पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद पुलिस बुलेट मोटरसाइकिल को उठाकर अपने साथ थाने ले गई, लेकिन बुलेट अपने आप उसी जगह पर आ गई। ऐसा कई बार हुआ लेकिन बुलेट हर बार उसी स्थान पर आ जाती। आखिरकार लोग इसे चमत्कार मानने लगे और बुलेट को उसी स्थान पर रखकर वहां एक मंदिर बनवा दिया गया और लोग उसी बुलेट की पूजा करने लगे। ताजमहल में शिव मंदिर। दुनिया भर में सबसे मशहूर इमारत ताजमहल को शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता होगा। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, लेकिन इसके अलावा कई लोगों द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि ताजमहल की जगह पहले एक किला नहीं बल्कि एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था। शाहजहां ने मंदिर पर कब्जा करके उसे हथिया लिया और शिवलिंग की जगह पर मुमताज की कब्र बना दी गई। जुड़वा बच्चों का गांव। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के केरल में एक ऐसा गांव है जहां अधिकतर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इस गांव में 200 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।